बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का आरोपी शुभम लोनकर, जिसके खिलाफ मुंबई पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है, वो इंडो नेपाल बॉर्डर से नेपाल फरार हो सकता है, नेपाल भाग सकता है। इस वजह से हम मौजूद हैं इस वक्त इंडो नेपाल बॉर्डर पे से, और आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाएंगे। हर तरफ सीसीटीवी कैमरा है, एसएसपी के जवान लगातार निगरानी रखे हुए हैं बॉर्डर पर। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ तो आप देखिए, एक तरफ तो जो लोग नेपाल इस वक्त जा रहे हैं या नेपाल से फिर आ रहे हैं, उनका प्रॉपर आईडी यहाँ पर चेक किया जाता है, उनका चेहरा उनके आईडी से मिलाया जाता है। और जो गाड़ियाँ आती हैं, एक तस्वीर ये दिखाऊँ आपको कि जितनी गाड़ियाँ आती हैं उन गाड़ियों से ड्राइवर बाहर निकलते हैं, और ड्राइवर बकायदे जो हैं जितने सामान गाड़ी के अंदर हैं उसको चेक किया जाता है। तो इंडो नेपाल बॉर्डर पर पूरी तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, यहाँ तक कि गाड़ी की डिग्गी भी खोली जाती है, उनका आधार चेक किया जाता है। जैसे इन्होंने अपना आधार दिखाया भारत सरकार के कि ये हैं, इनका फेस मिलाते हैं एसएसबी के जवान और उसके बाद इन्हें जाने देते हैं। तो पूरी सुरक्षा यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। पीछे आप जो देख पा रहे हैं वो नेपाल है, पीछे आप देख पा रहे हैं नेपाल है। एक तरफ नेपाल से लोग इंडिया आ रहे हैं तो दूसरी तरफ इंडिया से लोग नेपाल जा रहे हैं। और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं सीसीटीवी कैमरे के, तो जरा सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें दिखाइए। इस तरीके से पूरे इंडो नेपाल बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरे लैस हैं, यानी जो भी शख्स इंडिया से नेपाल जाएगा या नेपाल से इंडिया दाखिल होगा उसकी फोटो उसकी वीडियो इस सीसीटीवी में कैद हो जाएगी। और सूत्र ये बताते हैं कि मुंबई पुलिस मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार इंडो नेपाल बॉर्डर पे, ये जो 110 किलोमीटर का बॉर्डर है इस एरिया में लगातार वो मुस्तैद है, लगातार लोकल पुलिस और एसएसपी के जवानों के संपर्क में है, और ताकि कहीं से भी शुभम लोनकर अगर फरार होने की कोशिश करता है नेपाल तो उसे तुरंत दबोच लिया जाए। यहाँ पर देखिए जो भी शख्स आ रहा है सबको चेक किया जा रहा है, और चेक करने के बाद ही उन्हें यहाँ से जाने दिया जा रहा है। तो इंडो नेपाल बॉर्डर पर पूरी तरीके से अलर्ट है। शुभम लोनकर के खिलाफ मुंबई पुलिस लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है। बताया यही जा रहा है कि शुभम लोनकर ने ही सूचनों को हथियार दिया था, यानी शुभम लोनकर को ही मालूम है कि आखिरकार क्यों बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। इसलिए बेसब्री से मुंबई पुलिस शुभम लोनकर की तलाश कर रही है। जानकारी तो यहां तक है कि शुभम लोनकर जो है को गिरफ्तार करने के लिए और मुंबई पुलिस के अधिकारी इंडो नेपाल बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। और यहां पर देखिए अलर्टनेस किस तरीके से है सुरक्षा एजेंसी की, यहां पर लगातार चेक किया जा रहा है। जो लोग मोबाइल से आईडी दिखा रहे हैं उनका फेस रिजेंबल किया जा रहा है, फेस पहचान की जा रही है, और कहीं से भी शक होता है तो उन्हें वापस कर दिया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है सुरक्षा एजेंसी इंडो नेपाल बॉर्डर पर, ताकि किसी भी तरीके से बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का आरोपी शुभम लोनकर फरार ना हो पाए, नेपाल ना जा पाए। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश श्रीवास्तव के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, इंडियो नेपाल बॉर्डर।